हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी इडली लेकर आई हूँ जो शायद ही आज तक आपने कभी देखी होगी। ये रेसिपी कैसे बनेगी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें तकरीबन 2 कप हम यहाँ पर मोटे दाने के सूजी ले लेंगे। ये देखिए, ये है 1 कप और ये रहा 2 कप। हमने बड़े कप से 2 कप यहाँ पर सूजी ले लिया। अब उसी का 1/2 कप यानी 1 कप हम इसमें दही को भी ऐड करेंगे और दही को अच्छी कर तब डालिएगा। अब यहाँ पर 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है और उसको डालकर अच्छी तरीके से हम पानी के साथ हम इसे फेंट लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से पानी डालकर धीरे धीरे इसको फेंट लिया है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये पतला होने का बैटर डर रहता है। यहाँ पर हमने देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर धीरे धीरे इसे फेंट लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हम रखेंगे दोस्तों। जी हाँ, ये गाढ़ी रहेगी तभी हमारी इडली बहुत अच्छे तरीके से और बहुत चिकने और सॉफ्ट निकलेंगे। अब हम यहाँ पे बैटर को अच्छी तरीके से फेंट लिया और इसको आधे घंटे के लिए हमें इसे ढककर रख देना है। ये देखिए, मैंने आधे घंटे इसे रखा और अब मैं इसको दिखा रही हूँ। देखिए ये कितना खिला खिला और थोड़ा सा ये फॉर्मेट हो जाता है, दही डालने की वजह से ये थोड़ा फॉर्मेट भी हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत गाढ़ा लगे, कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा लगे, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसका बैटर आप थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। यहाँ मुझे कम लगा तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। और अब यहाँ पर जब ये अच्छे से आप इसका बैटर तैयार कर लेंगे तो उसके बाद लास्ट स्टेज पर हम यहाँ पे बेकिंग सोडा डालकर 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने गैस पर ये पैन को चढ़ाया है, इडली के सांचे को, और उसमें पानी तकरीबन 1 बॉटल डालकर उसे उबाल रहे हैं। दूसरी तरफ जब तक हमारा पानी उबल रहा है, यहाँ पर हम उसके सांचे को लेकर उसमें अच्छे से तेल को यहाँ पर लगा देंगे ताकि हमारी इडली जो है वो इसमें चिपके ना। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारे मेल्ट कर लिए हैं ऑयल को और अब हम यहाँ पर इडली के जो बैटर हैं उनको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इसको इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए, मैंने इस तरीके से सांचे के उनको पूरा हमने फिल कर दिया है और अब हम इसको, ये हमारी पानी उबल गई है, अब हम इसमें धीरे धीरे करके हमारे ये तीन तीन परत की है सांचे, तो इसमें तीनों में हमने डालकर इसे अच्छी तरीके से ढक्कन लगाकर बंद कर लिया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमें इसे इसी तरह इसे पका लेना है और ढक्कन आप अगर 10 मिनट हो जाए और आपको लगे कि ये थोड़े अभी इसमें कसर रह गए हैं तो आप इसको फिर से ढककर पका सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको चेक करने के लिए इसे चाकू की मदद से इसमें होल किया तो ये बिल्कुल अंदर से कच्चा नहीं है और अच्छी तरीके से पक गया है। ये देखिए, अब मैं इसे आप ये अच्छे से हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल कर आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितना चिकना और साफ, एकदम सॉफ्ट इडली बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे सारे 1 बाय 1 कर सारे निकाल ले रहे हैं और निकालने के बाद इसमें एक और मज़ेदार चीज़ है दोस्तों। ये निकालने के बाद हम इसको वो 4 टुकड़ों में इसे अच्छे से हम इसे काट लेंगे। ये देखिए, तभी तो हमारी फ्राई इडली बनकर रेडी होगी दोस्तों। ये इतनी टेस्टी है दोस्तों कि आप कभी भी, आपको मन करे आप झटपट इसे बनाकर खा सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी है। सो दोस्तों, ये मैंने सारे इडली को काट कर रख लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 बड़े स्पून से हमने तेल डाल दिया है। मैं हमेशा सरसों के तेल को ही प्रेफर करती हूँ दोस्तों, आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच
राई डालकर उसे अच्छी तरीके से भून लिया है। जब ये कलर अच्छे से सुनहरा हो जाए तब हम उसके बाद 3 से 4 मिर्च को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसे भी अच्छे से उससे तड़का दे देंगे ताकि और भी ज़्यादा खुशबू हमारे फ्राइड इडली में उभर कर आए। और थोड़ा सा कलर देने के लिए हम 1/2 स्पून या उससे भी कम हल्दी डाल देंगे और उसे भी हल्का सा भूनकर प्याज डाल देंगे। प्याज हमने 3 से 4 बड़े प्याज को लेकर इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए जैसे ये हल्का सा कलर चेंज कर ले तो इसके बाद हम यहाँ पर जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर हम डालेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट लिया है, ये 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। अब हम इसे भी डालकर 2 मिनट के लिए सिर्फ इसे भून लेंगे अच्छे से ताकि ये भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी अच्छे से पक जाए। अब जैसे ये 2 मिनट हो जाएंगे और ये पक जाएगा तो उसके बाद हम 3 से 4 लाल टमाटर को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसे भी इसमें डालकर अच्छे तरीके से मिलाकर भून देंगे। और भून इसको हमें कम से कम 5 मिनट इसे पकाना है इसी कंडीशन में। तो टमाटर को आप जब तक नमक नहीं डालेंगे दोस्तों तब तक उसमें सॉफ्टनेस एकदम आएगी ही नहीं और वो कुछ खड़े रहते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच नमक डालकर टमाटर को भी अच्छे से पका लिया है। अब देखिए नमक मैंने डालकर इसे अच्छे से कम 5 मिनट इसे हम ऐसे ही ढक कर रख देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाए। और हाँ दोस्तों गैस का फ्लेम आप थोड़ा मीडियम ही रखिएगा नहीं तो हमारे सारे मसाले जलने लगेंगे तो टेस्ट एकदम बेकार हो जाएगा। दोस्तों ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों, बस आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर मसाले डाल दिए हैं और इसमें और स्वाद को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर मैजिक मसाला का भी यूज़ किया है 1 चम्मच। यहाँ देखिए हमारी इडली इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई है और जो ये हमारे जो मसाले हैं ये बिल्कुल एकदम पककर एकदम रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हम ये कटे हुए इडली को डालकर इसमें अच्छी तरीके से इसे मिला देंगे। बस अब हमारी इडली बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। अब इसे अच्छे से हम मिलाकर 2 मिनट इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाए। ये देखिए हमने 2 मिनट इसे ऐसे ही मिला लिया है और ये लीजिए हमारी फ्राई इडली एकदम गर्मा गर्म बनकर तैयार हो गई है और खुशबू इतनी अच्छी लग रही है दोस्तों कि सब कहेंगे कि अरे संध्या के घर तो आज बहुत टेस्टी डिश लग रहा है बन रहा है। तो दोस्तों आप भी ज़रूर अपने घर ये बनाकर ट्राई कीजिएगा। आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू।